राज्य सरकार के होम्योपैथी विभाग की ओर से आज जयपुर में सरकारी कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारियों और अन्य लोगों को रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए दवाइयां वितरित की गईं। होम्योपैथी विभाग की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वत्सना कसाना ने बताया कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को होम्योपैथी की दवाइयाँ दी जा रही हैं। आसनिक एल्बम नामक एक 30 आसनिक एल्बम नामक एक दवाई है जो इम्यूनिटी बूस्टर है। ये हमारी इम्यूनिटी एनहांस करती है। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ऑल ओवर राजस्थान 2.5 लाख के करीब किट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ऐसी हम लोग एक किट प्रोवाइड कराएंगे। इसके अंदर ये 0.5 ग्राम की मेडिसिन है। ये रोज़ सुबह 4 गोली सुबह खाली पेट लेनी है 3 दिन तक, और 1 महीने बाद फिर ऐसी रिपीट करनी है। तो जैसे आप लोग जानते हैं अभी तक कोविड का कोई इलाज आया नहीं है, तो इम्यूनिटी बढ़ाना ही एक इसका प्रिवेंशन है। तो इम्यूनिटी इस हमारी मेडिसिन से इम्यूनिटी एनहांस होती है। हम लोग अभी मेन टारगेट हमारा है फ्रंटलाइन वर्कर्स, जैसे पुलिस वाले, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, सैनिटाइजेशन वर्कर्स और जो डोर टू डोर होम डिलीवरी कर रहे हैं, डिलीवरी बॉयज़, तो इन सब लोगों को अभी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करी है।